इंग्लिश रीडर का लेसन 12 द जार ऑफ ग्रेट चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द पॉटर नॉट एबल टू बाय एनी ज्वेलरी फॉर हिज वाइफ. ठीक है, जो पॉटर था वो क्यों मतलब एबल नहीं था कि वो अपनी वाइफ के लिए कोई भी ज्वेलरी खरीद सके. क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखेंगे. आंसर नंबर 1, द पॉटर वॉज नॉट एबल टू बाई ज्वेलरी फॉर हिज वाइफ एज ही कुड नॉट सेव एनी मनी फ्रॉम हिज वर्क. मतलब कि वो अपने काम से जो कवर करता था वो उससे वो कुछ पैसे बचा नहीं पाता था, इसलिए वो ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वॉट आइडियाज डिड द पॉटर थिंक टू बी एबल टू बाई ज्वेलरी फॉर हिज वाइफ. ठीक है, उसके माइंड में क्या आइडिया आया. ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, द पॉटर थॉट ऑफ कटिंग डाउन वन मील एंड इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ हिज वेयर्स. ठीक है, उसके माइंड में थॉट आया कि वो जो खाना खा रहे हैं वो लोग एक टाइम का खाना खाना बंद कर दे और जो सामान उनके थे जो वेयर्स थे उसकी प्राइस डबल कर दे. क्वेश्चन नंबर 3, डिड इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ वेयर्स हेल्प द पॉटर रियलाइज हिज ड्रीम. जो प्राइस था वेयर्स का, जो उसके सामान थे उसके सामान का जो प्राइस था उसका इंक्रीज कर देने पे जो पॉटर का ड्रीम था वो पूरा हो गया था. तो आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 3, नो, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ वेयर्स डिड नॉट हेल्प द पॉटर रियलाइज हिज ड्रीम रियलाइज. ठीक है, आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिलेमा डिड द पॉटर फेस व्हेन ही गॉट 5 जार्स ऑफ गोल्ड. आंसर इज, द पॉटर फेस्ड द डिलेमा दैट वन ऑफ द जार्स वाज हाफ एम्प्टी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड डिस्क्राइब द जार्स एज ट्रैप. ठीक है, लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने क्यों डिस्क्राइब किया कि ये जो जार है वो ट्रैप, एक ट्रैप है, एक जाल है. तो आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 5, द लैंडलॉर्ड डिस्क्राइब द जार एज ट्रैप एज दे वर जार ऑफ ग्रीड. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द पॉटर गेट रिड ऑफ ट्रैप. जो पॉटर था उसे उस ट्रैप से कैसे छुटकारा मिला. आंसर नंबर 6, द पॉटर रिक्वेस्टेड द ट्री टू टेक बैक द जार्स एंड थस ही गॉट रिड ऑफ द ट्रैप. ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया ट्री से कि वो अपना जार जो है वो वापस ले ले, जिससे कि उसे क्या हुआ, छुटकारा मिला ट्रैप से, जाल से. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वॉज द पॉटर रिलैक्स्ड एंड हैप्पी इवन आफ्टर लूजिंग हिज स्टेंसल्स एंड फर्नीचर. ठीक है, सब कुछ उसने खो दिया था फिर भी वो क्यों रिलैक्स और हैप्पी था पॉटर. तो आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 7, द पॉटर वॉज रिलैक्स्ड एंड हैप्पी बिकॉज ही वॉज नॉट कंटेंट. ठीक है, क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ लेसन 12 का. इसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे, सभी लोग लर्न करेंगे. उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आंसर है इसका जो इमेज है मैं आपको होमवर्क सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे या वीडियो से भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं.